हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कपल्स क्रिएटिव अड्डा। और मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त देविका आ गई हूँ एक नया सस्पेंस से भरा, थ्रिल से भरा रिव्यू लेकर, रत्सासन मिशन सिंड्रेला उर्फ कठपुतली को लेकर। तो देखो, आज मैं ज्यादा बोलने के मूड में नहीं हूँ क्योंकि इस मूवी में बोलने लायक कुछ है ही नहीं यार। तो आपको फटाफट समरी बताते हैं कि इस मूवी के दो तीन नाम हैं, रत्सासन कह लो, मिशन सिंड्रेला कह लो। हाँ, तो हमारी ऑडियंस बहुत स्मार्ट है और सबको पता है कि ये साउथ मूवी रत्सासन की रीमेक है। पता नहीं हमारे बॉलीवुड वालों को कोई नई स्क्रिप्ट नहीं मिलती, राइटर को जरा बादाम बादाम खिलाओ, कुछ अच्छी लोकेशंस पे लेके जाओ, सब रीमेक पे रीमेक, रीमेक पे रीमेक। और अच्छा भैया, अगर रीमेक बना भी रहे हो तो फिर कबीर सिंह जैसा रीमेक बनाओ ना। डिज्नी हॉटस्टार पर मूवी आ चुकी है 2 सितंबर को, आप देख सकते हैं, ना देखें तो बहुत अच्छा है। रंजीत एम तिवारी का डायरेक्शन है और फिल्म के प्रोड्यूसर हैं जैकी भगनानी और वासु भगनानी। कठपुतली के राइटर है राजीव रवि। अब बात करते हैं फिल्म के स्टार कास्ट की। लीड रोल में आपको नजर आएंगे हमारे खिलाड़ी भैया यानी कि अक्षय कुमार। इस फिल्म में अक्षय कुमार इंस्पेक्टर बने हैं जो कि बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। अक्षय कुमार के साथ आपको नजर आएंगी रकुल प्रीत, जिनका फिल्म में कोई काम नहीं है, टीजर में भी कोई काम नहीं था, सिर्फ वो थोड़ा सा ग्लैमर के लिए बस दिखाई गई हैं, एक दो सॉन्ग्स हैं इनके ऊपर। हालांकि उन्होंने एक स्कूल टीचर का किरदार निभाया है जो कि वो बिल्कुल नहीं लग रही है। फिल्म में आपको नजर आएंगी सरगुन मेहता, जो कि तितलियां वाला नशा फूंक करके आई है और वो बनी है SHO मैडम, जो कि वो बिल्कुल नहीं लग रही है इतनी सी SHO मैडम। इससे अच्छा तो हमको और कपिल को ही मूवी में ले लेते। साथ में आपको नजर आएंगे चंद्रचूड़ सिंह, सुजीत शंकर और गुरप्रीत घुग्गी। आप सब जानती हो कि रत्सासन का ये रीमेक है, पता नहीं इसका रीमेक बनाने की क्या जरूरत थी। पहली मूवी इतनी बढ़िया थी जिसमें विष्णु विशाल ने मेन लीड रोल किया था। हाँ, वही जिसने कपड़े उतार के फोटोशूट कराया था। यस यस, वही वही वही। हाँ तो भैया, सबसे ज्यादा बेकार इस फिल्म की स्टार कास्ट। अक्षय कुमार जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर बने हैं जिनकी पोस्टिंग कसौली में होती है, वो पुलिस इंस्पेक्टर नहीं लग रहे हैं, जैसे लग रहा है कि जबरदस्ती उस कैरेक्टर में घुसेड़े गए। सरगुन मेहता जो कि SHO मैडम बहुत सख्त दिखाई गई है, तो ये सख्ती उनकी पर्सनालिटी पर भारी लग रही थी, ओवर एक्टिंग लग रही थी बिल्कुल। अक्षय कुमार इंस्पेक्टर नहीं लग रहे हैं, रकुल प्रीत टीचर नहीं लग रही है, सरगुन मेहता SHO मैडम नहीं लग रही, विलन विलन नहीं लग रहा है, हीरो हीरो नहीं लग रहा है, फिल्म सस्पेंस ही नहीं लग रही है, मूवी थ्रिलर नहीं लग रही। थ्रिलर मूवी का रीमेक बनाया क्यों है मुझे ये नहीं समझ में आता। भैया अगर ये मूवी देखनी है तो इससे अच्छा साउथ की फिल्म रत्सासन देख लो, ओरिजिनल है। आपको बता दें कि कठपुतली से पहले इस मूवी का नाम मिशन सिंड्रेला रखा गया था, जो कि किसी कारणवश चेंज कर दिया गया। और ये इसलिए रखा गया था क्योंकि पूरे टाइम इस फिल्म में सिंड्रेला डॉल की एक कटी मुंडी दिखाई गई है जो कि एक बॉक्स में रहती है। फटाफट मैं आपको इस मूवी की एक समरी बताती हूँ कि ये कहानी है हिमाचल प्रदेश के कसौली की, जहाँ पे अक्षय कुमार एज अ सब इंस्पेक्टर पोस्टेड हुए हैं और वहाँ अचानक से स्कूल की टीनेज लड़कियों का मर्डर होने लगता है। फिल्म की शुरुआत एक लड़की के मर्डर सीन से होती है जिसका चेहरा देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नहीं, मेरे नहीं होंगे, मैंने वैक्स किया हुआ है। हाँ, तो होता है यूं कि मर्डर करके उस लड़की की बॉडी को किलर परवानू डिस्ट्रिक्ट में फेंक देता है। स्कूल गर्ल्स के ये मर्डर एक के बाद एक होते रहते हैं और सबसे बड़ी गप फीलिंग तो मुझे वहां लगती है जब अक्षय कुमार की खुद की भांजी का भी मर्डर हो जाता है। 3-4 लड़कियों का मर्डर करने के बाद भी वो साइको किलर पकड़ा नहीं जाता और वो टीन एज की लड़कियों को टारगेट करता है। उसका मकसद है लड़कियों को दर्द देकर मारना, उनका चेहरा बिगाड़ देता है, आंखें निकाल लेता है, बहुत ही ब्रूटली मर्डर करता है। और लड़कियों का मर्डर करने के बाद वो उनकी बॉडीज को शहर के बहुत पॉश एरिया में बड़ी भीड़ भाड़ वाली जगह पर बॉडी को डंप करता है। पता नहीं कहां से आता है, कहां को जाता है और इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह में वो बॉडी छोड़कर चला जाता है। डायरेक्टर साहब, आपको ऑडियंस सर्कल से एड़ी लगती है क्या? कुछ भी। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी ठीक ठाक है और फिल्म में कोरियोग्राफर हैं गणेश आचार्य, पता नहीं कौन से गाने पे नाचे हमें तो दिखा नहीं। हाँ, मैं एंड तक मूवी आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मूवी देख के जो दर्द मैंने महसूस किया है ना वो आप भी करो, इसलिए मूवी जरूर देखना और ये देखना कि कौन है वो साइको किलर, आखिर इन लड़कियों से उसका क्या कनेक्शन है, क्यों इतनी नफरत करता है इन टीनेज लड़कियों से। इस फिल्म में आपको किसी की भी एक्टिंग इम्प्रेस नहीं करेगी, सस्पेंस थ्रिलर मूवी कहा जाएगा लेकिन उसमें जरा भी थ्रिल नहीं है। कुल मिला के क्राइम थ्रिलर मूवी के नाम पर ये मूवी एक कलंक है। मैं तो इस मूवी को देने वाली हूँ 5 में से 2.5 स्टार्स बस। एक बार आप भी ये मूवी जरूर देखिएगा और अगर आपका कोई दुश्मन हो तो उसको ये मूवी देखने के लिए जरूर इंसिस्ट कीजिएगा। तो अगर आपको हमारा आज का ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो यार प्लीज लाइक और शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। देविका फिर मिलेगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।